तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। देख सकते हैं क्लाइंट का कुछ ऐसा हेयर है, इसमें हम करेंगे स्मूथनिंग। तो सबसे पहले करेंगे ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर करने के बाद ऐसा कुछ हेयर हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे एक्सटेंसो का लॉरियल का स्मूथनिंग क्रीम, इसे बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम सेक्शन बनाएंगे बालों का एक एक, और सेक्शन बाय सेक्शन इसे ब्रश से अच्छी तरीके से एक एक सेक्शन में अप्लाई करेंगे, और कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। कॉम्ब भी करेंगे इसमें, कॉम साथ साथ जरूर करते रहिए दोस्तों। अप्लाई करते करते कॉम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छे से क्रीम सारे बालों में लग जाए। फिर उसको हम छोड़ेंगे लगभग 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद अब हम इसको करेंगे पानी से रिंस आउट। नॉर्मल पानी से रिंस आउट कर देंगे इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल। उसके बाद हम इसमें करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रायर। ड्रायर करने के बाद इसमें करेंगे ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर करने के बाद अब दोस्तों हम कर रहे हैं इसमें प्रेसिंग। प्रेसिंग आप अकॉर्डिंग टू हेयर कर सकते हैं, जैसा आपका हेयर है उस हिसाब से आप टेम्परेचर रख सकते हैं। और रिजल्ट देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आ चुका है, एकदम पानी की तरह हेयर हो चुका है। तो अभी अभी इसमें हम न्यूट्रलाइजर लगाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम लॉरियल का एक्सटेंसो का न्यूट्रलाइजर, इसको निकालेंगे बाउल में। और बाउल में निकालने के बाद ब्रश से अच्छी तरीके से मोटे मोटे सेक्शन लेकर के सेक्शन बाय सेक्शन सारे बालों में अच्छी तरीके से हम न्यूट्रलाइजर को अप्लाई करेंगे, और कॉम जरूर मारेंगे। सब में कॉम करते हुए जाना है हम लोगों को। न्यूट्रलाइजर करने के 10 मिनट के बाद हम इसे करेंगे पानी से रिंस आउट। रिंस आउट करने के बाद मास्क लगाएंगे। मास्क लगाने के बाद हम इसे मास्क को रिंस आउट करेंगे। मास्क रिंस आउट करने के बाद ड्रायर करेंगे। ड्रायर करने के बाद अब रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम पानी की तरह हेयर हो चुका है। तो दोस्तों ऐसी और टिप्स जानने के लिए, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।